गैस, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने जैम को इंस्टॉल किया था। हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग पीएचपी को रन कर सकते हैं। पीएचपी एक बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देखी थी। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है आप लोगों को। क्लिक करने के बाद आप इसको प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर इसको बुक मार्क करके डन पे क्लिक कर दें। देखो मेरी यहाँ पर आ गई है, मैंने बुक मार्क करके इसको, और यहाँ क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप सीरीज़ में वीडियोस को जो है आराम से देख सकते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था वीएस कोड कैसे डाउनलोड करना है। उसी के साथ साथ मैंने ज़ैम्प आप लोगों को डाउनलोड करवाया था। ज़ैम्प डाउनलोड करवाने के साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि ज़ैम्प की ज़रूरत क्यों पड़ी और ज़ैम्प के बिना भी काम हो सकता है। बट ज़ैम्प इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट वेज जिसमें कि हम लोग पीएचपी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को जो है ईजी बना सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग जो है इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये जो प्लेलिस्ट है इसको एक्सेस करना, बुक मार्क करके सेव कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं पीएचपी के अंदर। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में जो है ज़ैम्प इंस्टॉल करवाया था, और ज़ैम्प इंस्टॉल करवाने के बाद मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि आप लोग जो है अपाचे को और माई सीक्वल को, इन दोनों को स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप लोग यहाँ माई सीक्वल के एडमिन पे क्लिक करोगे तो ये लोकल होस्ट पी एच पी माई एडमिन खुल जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग देखेंगे आगे कि कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे डेटाबेसेस बनाने हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे। अभी के लिए इसको आप होल्ड पे रख दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी पी एच पी की ऑफिशियल वेबसाइट से लेके, ये सब चीज़ें जो है मैं क्लोज कर देता हूँ टैब्स को। और ये जो प्लेलिस्ट है आपने एक्सेस जो है ऑलरेडी कर ली होगी। चलो बढ़िया, अब देखते हैं कि जो ज़ैम्प है उसने क्या किया हमारे कंप्यूटर में आकर। यानी कि हमने जब ज़ैम्प को इंस्टॉल किया अपने कंप्यूटर में तो उसने डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक अपना स्थान ले लिया होगा अपने हमारे कंप्यूटर में। उसने एक स्पेस ली होगी, कुछ फाइल्स उसने अपनी इंस्टॉलेशन के दौरान कॉपी करके डाली होंगी। तो वो आप लोगों को एक बार दिखाना चाहूँगा, और वो होता है हमारे सी ज़ैम्प में जहाँ पर हमने इंस्टॉल किया ये। अब यहाँ पर अगर आपका सर्च करके कभी कभी कंट्रोल पैनल नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, यहाँ जैम कंट्रोल डॉट टी एक्स सी को जो है रन कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से। सो गैस, यहाँ पर ये वो फाइल्स हैं जैम की जो कि हम लोगों ने अपने जैम के इंस्टॉलेशन के दौरान कॉपी करवाई हैं अपने जैम इंस्टॉलर से। यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर्स हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, अलग अलग तरह की, जो माई सीक्वल है और आपका मेल टू डिस्क है, और भी चीज़ें इन्होंने यूटिलिटीज़ वगैरह टॉम कैट इंस्टॉल किया है, वेबलाइजर इंस्टॉल किया है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल भी अभी जानने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोग बिगिनर हैं तो। अपाचे वेब सर्वर है जो कि अपना काम बहुत अच्छी तरह से करता है। आप लोगों को अभी जो एच टी डॉक्स वाला फोल्डर है उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। ये एच टी डॉक्स फोल्डर क्या करता है इस बारे में बात करता हूँ। ये जो एच टी डॉक्स फोल्डर है इसके अंदर सारी की सारी हमारी फाइल्स रहती हैं, वो फाइल्स जो कि हम पी एच पी में अपना अभी हम प्रोग्राम लिखेंगे पहला पी एच पी का, तो वो सारी की सारी जो फाइल्स हैं पी एच पी के प्रोग्राम की वो इसके अंदर हमारी रहेंगी। एक एप्लीकेशन अगर हमने बनाई है पी एच पी में, मान लो हमने एक ई कॉमर्स स्टोर बनाया पी एच पी में, तो उसकी सारी की सारी फाइल्स जो है इस फोल्डर के अंदर रहेंगी। अब इसको अगर मैं खोलूँ तो आप लोग देखो यहाँ पर क्या क्या है। एक तो यहाँ पर डैशबोर्ड है, वेबलाइजर है, ज़ैम्प है, कई चीज़ें हैं। मुझे अगर यहाँ पर अपनी कोई भी एप्लीकेशन बनानी है तो मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर बना लूँगा। यहाँ पर मैंने बना लिया यहाँ पर एक फोल्डर, और मैं यहाँ पर लिखूँगा पी एच पी ट्यूटोरियल्स, ठीक है। और मैं इनफैक्ट एक काम करता हूँ, पी एच पी टी लिख देता हूँ उसको, यानी कि पी एच पी ट्यूटोरियल। और इतना छोटा क्यों लिखा है मैंने स्मॉल केस में, ताकि मुझे अपने अपाचे सर्वर के थ्रू जब मैं वेब ब्राउज़र में यूआरएल को डालूँ तब मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। देखते जाओ, मैं मेरे कहने का मतलब क्या है, पी एच पी टी मैंने यहाँ पर लिख कर एक फोल्डर बना लिया, वो आपका नाम हो सकता है। मैं इनफैक्ट इसको हैरी कर देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि पी एच पी टी कहीं कोई कोई ऐसा नाम तो नहीं है जो कि वही चूज़ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हैरी कर लो चूज़, अपना नाम जो है वो रख लो, सिंपल होना चाहिए टाइप करने के लिए। मेरे हिसाब से आप लोग अपना नाम बहुत तेज़ टाइप करते होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम जो है वहाँ पर नहीं आएगी। इसको खोलें, राइट क्लिक करें और ओपन विद कोड यहाँ पर आपका आएगा ऑप्शन, उस पर क्लिक कर दें। बहुत सारे लोगों का ओपन विद कोड ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने शायद वी एस कोड के इंस्टॉलेशन में वो बॉक्सेस चेक नहीं किए होंगे जो कि मैंने करवाए थे। अगर आपने अपना वी एस कोड एक बार बिना चेक बॉक्सेस चेक किए इंस्टॉल कर लिया है तो आप क्या करें, यहाँ पर फाइल में जाएं और उसमें ओपन फोल्डर में जाके वो फोल्डर ओपन कर सकते हैं, ठीक है। वी एस कोड को यहाँ से ओपन कर लें सर्च करके, और वो सारी चीज़ें जो है आई होप आप लोग जो है बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा अपाचे सर्वर चल रहा है, मेरा माई सीक्वल भी चल रहा है। मैं अगर यहाँ पर आऊँ और उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे लिखूँ, मैं ये प्लेलिस्ट को बंद कर दूंगा, आप लोग एक्सेस इसको कर लेना, ठीक है। अभी के लिए इसको मैं बंद कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा लोकल होस्ट और स्लैश हैरी,
और जैसे ही मैं लोकल होस्ट स्लैश हैरी लिखूंगा, ये कह रहा है कि यार इस डायरेक्टरी में कुछ है ही नहीं, अगर इस डायरेक्टरी में कुछ होता तो मैं ज़रूर शो करता, लेकिन इस डायरेक्टरी में कुछ है नहीं। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक PHP फाइल बनानी है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ क्लिक करें, न्यू फाइल जहाँ पर लिख कर आ रहा है, और इंडेक्स डॉट PHP आप लोग इस तरह से बना लें, ठीक है। यहाँ पर ये आप लोगों को कुछ वार्निंग्स वगैरह देगा, इसको इग्नोर करें अभी के लिए, ठीक है। और मैं यहाँ पर करूँगा क्या, लिखूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा ऐसे, इसको बंद कर दूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा एको, और उसके बाद मैं लिख दूंगा यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और एक बैक स्लैश एन भी लगा दूंगा, या फिर बैक स्लैश एन नहीं, सिर्फ इतना लिखते हैं, एको हेलो वर्ल्ड सेमी कोलन, ठीक है। मैंने क्या लिखा, एको हेलो वर्ल्ड सेमी कोलन, सिर्फ इतना लिखा, ठीक है। एक बार मैंने एको हेलो वर्ल्ड सेमी कोलन लिखा और इसको सेव किया, और इसका नाम ये इंडेक्स ही रखना है, कुछ और नहीं रखना है, इंडेक्स ही रखना है। इंडेक्स रखने से क्या होता है बताता हूँ, जब इसको रिलोड करोगे ना आप लोग, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये इंडेक्स को एग्जीक्यूट करेगा। तो देखो यहाँ पर हेलो वर्ड लिख कर आ गया, अगर मैं राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे जाऊँ तो ये देखो सिर्फ हेलो वर्ड लिख कर आ रहा है, यानी कि सिर्फ इसने क्या किया कि इस फाइल को एग्जीक्यूट किया, पहले एग्जीक्यूट करके मसाला निकाला उसका, मसाला क्या निकला इस फाइल को एग्जीक्यूट करके, हेलो वर्ड, हेलो वर्ड निकला, तो उसने हेलो वर्ड को यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, अगर मैं एको 5+98 करता हूँ कुछ इस तरह से, और अब इसको रिलोड करूँ, तो देखो यहाँ पर इसने एग्जीक्यूट करके 103 जो रिजल्ट था वो प्रोड्यूस किया, और उसके बाद इसने यहाँ पर 103 को ऐसे के ऐसे ही रख दिया। तो ये सिंपली क्या कर रहा है, एको क्या करता है, इनफैक्ट जो PHP का एग्जीक्यूशन है उसमें क्या होता है कि जो आपकी पूरी PHP की फाइल है वो एग्जीक्यूट होती है, एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी उसका रिजल्ट निकलता है, यानी कि इसका रिजल्ट क्या निकला, हेलो वर्ल्ड 103, उसी तरह अलग अलग PHP फाइल्स का रिजल्ट अलग अलग निकलेगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा। और कभी कभी जो आपकी PHP फाइल्स हैं वो बैकएंड में ऑपरेशन भी करेंगी, जैसे ईमेल सेंड कर सकते हो आप लोग, कोई एग्जीक्यूटेबल रन कर सकते हो, किसी दूसरी वेब सर्विस को कॉल कर सकते हो, और भी कई चीज़ें जो कि कर सकते हो। तो ये PHP का सिंपलेस्ट प्रोग्राम है, हेलो वर्ड PHP प्रोग्राम है जो कि हमने लिखा। एक बार और अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने ये जो हैरी नाम का फोल्डर बनाया है इसमें एक इंडेक्स डॉट PHP रखा है। इंडेक्स क्यों रखा, इंडेक्स इसलिए रखा क्योंकि इंडेक्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होता है। अब यहाँ पर HT डॉक्स फोल्डर के अंदर मैंने ये हैरी फोल्डर बनाया, क्या मैं कहीं और बना सकता था, नहीं। अभी के लिए सवाल का जवाब नहीं समझो, हालांकि सवाल का जवाब नहीं नहीं है, क्योंकि पॉसिबल है कहीं और भी बनाना, लेकिन अभी आप एक बिगिनर हो तो XAMPP और HT डॉक्स आपने यहाँ पर अपना एक फोल्डर बना लेना है, और कोई भी ऐसा फोल्डर का नाम मत चुनना जो कि ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है, जैसे डैशबोर्ड चुन लो, आपने ये ऐसा नहीं करना है आपको, आपको अपना एक यूनिक नाम चुनना है। हैरी इसमें नहीं दिखा मुझे, इसलिए मैंने हैरी चुन लिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने VS कोड को राइट क्लिक करके खोल लिया। कभी कभी क्या होता है कि आपका राइट क्लिक करके VS कोड नहीं खुलता है, या फिर कोई इशू आ गया, आपने इंस्टॉलेशन में कोई मिस्टेक कर दी, जो कि बहुत रेयर होता है, इशू नहीं आता है वैसे, सब कुछ पानी की तरह चलता है 99.999% लोगों के लिए, लेकिन थोड़ी बहुत जो जनता है जिसको दिक्कत हो सकती है उनके लिए भी मैंने बता दिया कि आप VS कोड में या फाइल में क्लिक करके ओपन फोल्डर में क्लिक कर सकते हैं। कई लोग अब सवाल पूछेंगे कमेंट में, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि लोगों का ये सवाल रहता है, और एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, सवाल रहना कभी कोई गलत नहीं है, बिल्कुल भी आप गलत नहीं हो, कोई भी सवाल अगर आप पूछते हो तो मैं आपको एड्रेस करता हूँ आपके सवाल का, कि अगर आप लोग सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ करना चाहते हो, या फिर आप एटम यूज़ करना चाहते हो, या फिर कोई और टेक्स्ट एडिटर यूज़ करना चाहते हो, तो क्या आप लोग वो कर सकते हो या नहीं। सवाल का जवाब है कि डेफिनेटली यस यू कैन, अगर आपका हाथ सबलाइम टेक्स्ट में सेट है उसको यूज़ करो, एटम में सेट है एटम यूज़ करो, उसी के साथ साथ और कोई एडिटर आप लोगों को अच्छा लगता है तो उसको आप लोग यूज़ करो। मैं भी VS कोड इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, इसमें मुझे सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो आते हैं, किस तरह यूज़ करना है। और मैं जब स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था अपना प्रोग्रामिंग की जर्नी को, तब हमेशा से मैं एक सोर्स कोड एडिटर पर स्टिक रहना चाहता था। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं पाईचार्म पे काम नहीं कर सकता, या फिर कोई वेब स्टॉर्म वगैरह कोई आईडी मिल जाए मुझे कल, तो उस पर काम नहीं कर सकता, डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ, बट मैं एक आईडी के साथ कंफर्टेबल होना चाहता था, कि जहाँ पर मैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP या कोई भी नोड JS जावा डॉकर फाइल जावास्क्रिप्ट
कुछ भी तरह की कोई फाइल मुझे मिल जाए, चाहे वो रिएक्ट की हो, एक्सएमएल की हो, एंगुलर की हो, रूबी की हो, सीएसएस की हो, डॉट नेट की हो, सेंटोएस की कोई कन्फिग्रेशन फाइल हो, पीएचपी हो, कुछ भी हो, चाहे पर्ल भी क्यों ना हो, मैं उसको एक ही सोर्स कोड एडिटर से एग्जीक्यूट, एडिट सब कुछ करना चाहता था। मुझे इसलिए वी एस कोड पसंद है, मैं रेकमेंड करता हूँ इसलिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सेफ है एकदम। ठीक है, तो काफ़ी बात हो गई टेक्स्ट एडिटर के बारे में, कुछ भी यूज़ किया जा सकता है। हमने यहाँ पर देखा ज़ैम्प ने कहाँ पर इंस्टॉलेशन किया, लोकल डिस्क सी में ज़ैम्प फोल्डर में इसने अपनी सारी जो फाइल्स का रायता था वो बिखेर दिया। देख लो आप लोग, ये सारा रायता इसने बिखेर दिया। आपको इस रायते में से एच टी डॉक्स नाम की बूंदी निकालनी है। ठीक है, इस रायते में से एच टी डॉक्स नाम की बूंदी निकालनी है और इसमें अपना एक फोल्डर, अपना जो दही वड़ा है वो डालना है, जिसका नाम है हैरी। ठीक है, तो आप लोगों को ज़ैम्प में एच टी डॉक्स फोल्डर के अंदर हैरी नाम का या किसी भी नाम का फोल्डर बनाना है, और एक बार आपने वो फोल्डर बना लिया तो वो फोल्डर आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर आप अपना रायता बिखेरो, यहाँ पर आप लोग अपनी फाइल्स को जो है सर्व करो, सब कुछ आप कर सकते हो, पीएचपी आपकी एग्जीक्यूट होगी, सब कुछ आप लोग यहाँ पर बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप कि समझ में आ गया होगा ये आप लोगों को, और आप लोगों ने अपनी इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल जो है बना ली होगी। अब आपका एक सवाल होगा यहाँ पर कि ज़रूरी है इंडेक्स ही बनाएं, मैं तो हैरी डॉट पीएचपी बनाऊंगा। अगर आप लोगों ने ऐसे कुछ बोला तो आपकी बात सही होगी, आप बना सकते हो। ठीक है, मैं कॉपी करूंगा इसी को और यहाँ पर मैं लिख दूंगा एंड ही इज अ, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा 405 प्लस 15। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको रिलोड करूँगा तो यही आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक हैरी डॉट पी एच पी डाल देता हूँ तो यहाँ पर देखो दिस इज़ हैरी डॉट पी एच पी एंड ही इज़ अ 420। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिख कर आ रहा है हैरी डॉट पी एच पी, हैरी हैरी डॉट पी एच पी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो यार आप, मैंने यहाँ पर ऐसे ही मतलब आपने ये लिख दिया, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो सिर्फ इतना दिस इज़ हैरी डॉट पी एच पी। ठीक है, थोड़ा बहुत फन भी अगर आप लेके आओगे अपनी लर्निंग्स के अंदर तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। रिलोड किया दिस इज हैरी डॉट पी एच पी। इसी तरह आप लोग शुभम डॉट पी एच पी, रोहन डॉट पी एच पी, रोहित डॉट पी एच पी, प्रशांत डॉट पी एच पी और अनन्या डॉट पी एच पी, श्रुति डॉट पी एच पी और नम्रता डॉट पी एच पी, अदिति डॉट पी एच पी, इस तरह की फाइलें बना सकते हो। ठीक है, कितनी भी मनचाहे फाइलें बनाओ। तो ये था हमारा पहला पी एच पी प्रोग्राम, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप लोग यहाँ पर डायरेक्टरीज भी बना सकते हो, जैसे मान लो मैं डी आई आर करके एक डायरेक्टरी बनाऊँ और हैरी डॉट पी एच पी को मूव कर दूँ उसके अंदर, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है और ये मेरा डी आई आर के अंदर चला गया है। यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो देखो डी आई आर के अंदर मेरा हैरी डॉट पी एच पी चला गया, इंडेक्स डॉट पी एच पी मेरा बाहर था। तो डी आई आर के अंदर मैंने डाल दिया अपना हैरी डॉट पी एच पी। तो आप लोग यहाँ पर देखो, अब अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हैरी तो मेरा प्रोजेक्ट है, फिर मुझे यहाँ से डी आई आर स्लैश हैरी डॉट पी एच पी करना पड़ेगा। और एट एनी पॉइंट मैंने कोई ऐसी फाइल का नाम लिखा जो कि नहीं है, जैसे अदिति डॉट पी एच पी लिखा तो ये बोलेगा भाई ये नहीं है, अदिति नहीं है यहाँ पर, अदिति यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो अदिति यहाँ पर मौजूद नहीं है तो आप क्या करो कि कुछ और लिखो जो कि मौजूद है, जैसे कि हैरी मौजूद है तो हैरी डॉट पी एच पी लिखो, या फिर आप जो है होम पेज पे आ जाओ ताकि इंडेक्स एग्जीक्यूट हो जाए आपकी। मैं जूम इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे, मैं यहाँ पर 500% जूम में हूँ अभी, ये जो टेक्स्ट है छोटा है क्योंकि मैंने इसमें HTML CSS JavaScript जो है बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लिखी है। ठीक है, सो आई होप कि यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, पहला प्रोग्राम आपने रन कर लिया होगा। जहाँ बात आती है VS Code की, मैं मेरा हमेशा से स्ट्रैटेजी रहती है मैं टाइम बचाऊँ, इसलिए मैं VS Code के अंदर डीप डाइव नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं PHP सिखाने के लिए आया हूँ, VS Code में डीप डाइव करने के लिए मैं नहीं आया हूँ, क्योंकि उससे आप लोगों का शायद टाइम वेस्ट हो। जो लोग VS Code यूज़ नहीं कर रहे हैं, सबलाइन वगैरह यूज़ कर रहे हैं फॉर एनी रीज़न, उन लोगों को जो है बिल्कुल रिलेवेंट वो नहीं लगेगा, लेकिन मेरे पास वीडियोज़ हैं दूसरे VS Code के, आप देख सकते हो अगर आपको चाहिए तो। सो अभी के लिए आप लोग को यहाँ पर सिर्फ फाइल्स बना के एडिटिंग करनी है और बाकी खुद टाइम से आपको समझ में आ जाएगा VS Code जैसे जैसे आप लोग यूज़ करते रहेंगे। यहाँ पर मैंने दो फाइल्स बनाई, एक डायरेक्टरी बनाई, एक तो index.php थी और DIR के अंदर harry.php। हमने यहाँ पर देखा ZAMP के अंदर जो सारी की सारी एग्जीक्यूशन करने के लिए फाइल्स ZAMP ने इंस्टॉल करी हैं वो यहाँ बिखेरी हैं। हमें एच टी डॉक्स के अंदर अपना एक फोल्डर बनाना है जो कि हमारा प्रोजेक्ट रहेगा, मल्टीपल फोल्डर्स भी बना सकते हैं और उन सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को हम यहाँ पर स्लैश हमारा प्रोजेक्ट का जो भी नाम है, जैसे कि अगर मैं रोहन नाम का यहाँ पर एक फोल्डर बना दूँ तो यहाँ पर मैं रोहन लिख के उसको एक्सेस कर सकता हूँ अगर उसमें इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल हो तो। वरना क्या होगा, वरना आप लोगों को यहाँ पर
उस फाइल का पाथ देना पड़ेगा, जो भी जैसे हैरी डॉट पी एच पी है तो आपको हैरी डॉट पी एच पी की लोकेशन देनी पड़ेगी, तो वो सारे काम करने पड़ेंगे आपको। इस तरह से आप लोग जो है अपनी पी एच पी फाइल्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। हमने पी एच पी के अंदर अभी कुछ भी नहीं सीखा है। एको अगर आप लोग सोच रहे हो क्या है, तो ये सिर्फ डिस्प्ले कराने के लिए एक प्रिंट स्टेटमेंट की तरह होता है पी एच पी के अंदर। इस तरह हम लोग जो है किसी भी पेज पर कोई भी चीज़ अगर डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा पी एच पी का बेसिक्स। आप लोगों ने ये समझ लिया होगा, फोल्डर्स बना लिए होंगे आई होप, और ये जो फोल्डर है ये हैरी नाम का फोल्डर आपका प्रोजेक्ट है। गैस अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं करी है तो मैं कहूँगा इस प्लेलिस्ट को आप लोग एक्सेस कर लें जल्दी से जल्दी। और ये जो वीडियो है इसमें हमने पहला पीएचपी का प्रोग्राम अपना लिख लिया है, तो आपका एक्साइटमेंट लेवल कहाँ पर है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस प्लेलिस्ट को जो है देखते रहिए, मैं आप लोगों को पीएचपी एकदम एंड तक सिखाऊंगा। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आने वाली है अभी के लिए। अभी आप बस इस वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू next time.